टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द स्टेम ऑफ पाइनस. ठीक है, तो जो पैरेंट सेल्स होती है मेडुलरी रेस की, वो एडजेसेंट होती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मतलब जो ये जो कैम्बियम है, इट इज प्रेजेंट इन ईच वैस्कुलर बंडल. अब जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, मेरिस्टमैटिक हो जाएंगी और बनाएगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इंटर मीन्स बिटवीन द सेल्स, इंट्रा मीन्स विद इन द सेल. ठीक है, तो बोथ इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है ज्वाइन हो जाएंगे और एक बनाएंगे कैम्बियम की रिंग. अब जो है कैम्बियम की जो रिंग है, ये क्या करेगी, ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगी इनर साइड और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी आउटर साइड. अब जो सेकेंडरी जाइलम है, इसी को हम क्या कहते हैं, वुड कहते हैं. ठीक है, यही आगे चलकर वुड बनाती है. फिफ्थ सेल्स जो है कॉर्टिकल रीजन की, ये भी मेरिस्टमैटिक हो जाएंगी एंड ये क्या फंक्शन करेगी, एज ए कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम कहते हैं फेलोजेन. अब फेलोजेन जो है ये बनाएगी कॉर्टिकल सेल्स, जिसको हम फेलम कहते हैं, और बनाएगी सेकेंडरी कॉर्ट, जिसको हम फेलोडर्म कहते हैं. सेकेंडरी जाइलम जो है, इट शोज प्रोमिनेंट ग्रोथ रिंग्स दैट आर फॉर्म्ड एनुअल ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, सो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से इसमें आपको कुछ ग्रोथ रिंग्स दिखाई देंगी जो हर साल बनेंगी. अब ये ग्रोथ रिंग को एनुअल रिंग भी कहते हैं. ग्रोथ रिंग का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कितना अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम बन रही है, यानी हर साल वुड की कितनी नई लेयर्स और बन रही है, और वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग वन ग्रोइंग सीजन. ठीक है, तो जो वुड है वो हमारी दो टाइप की बनेगी, एक होगी स्प्रिंग वुड, दूसरी होगी ऑटम वुड. स्प्रिंग वुड को जो है हम अर्ली वुड भी कहते हैं और ऑटम वुड को ऑल्सो कॉल्ड वी लेट वुड. जो स्प्रिंग वुड है वो स्प्रिंग सीजन के दौरान बनती है, और जो ऑटम वुड है वो विंटर सीजन के दौरान बनती है. जो स्प्रिंग वुड होता है, ये ग्रोथ रिंग जिसको हम एनुअल रिंग भी कहते हैं, उसका मोस्टली जो स्प्रिंग वुड जो है उसमें मेजर जो पार्ट है वो मोस्टली स्प्रिंग वुड ही करती है. ठीक है, मतलब स्प्रिंग वुड का जो है, स्प्रिंग वुड ही मोस्टली उसमें पाई जाती है. मतलब किसमें, ग्रोथ रिंग में. ग्रोथ रिंग का जो मेजर पार्ट है वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, स्प्रिंग वुड, और थोड़ा सा एक नैरो सी स्ट्रिप जो कॉन्स्टिट्यूट करती है कौन, ऑटम वुड. मतलब ये ज़्यादा है और ये कम. ये जो है ये प्रेजेंट होती है एनुअल रिंग की स्टार्टिंग में, जहाँ से एनुअल रिंग स्टार्ट हो रही है, जो ग्रोथ रिंग स्टार्ट हो रही है वहीं से. ठीक है, ये प्रेजेंट होती है एट द एंड ऑफ द एनुअल रिंग. इसमें जो वुड होता है वो बहुत लाइट कलर का होता है, और इसमें जो वुड होता है वो बहुत डार्क कलर का होता है. ठीक है, इसमें जो जाइलम फाइबर्स होते हैं बहुत कम नंबर में होते हैं, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा जाइलम फाइबर होता है. तो बहुत आसान है देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में क्वेश्चन आता है, और सेकेंडरी ग्रोथ इन पाइन ऑफ स्टेम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है. तो ये ज़्यादा क्वेश्चन था. सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम ऑफ पाइनस बिल्कुल सिमिलर था, अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट पढ़ा होगा, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंज होगा, बाकी बिल्कुल सेम है. अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आपको सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम ऑफ एफेड्रा पढ़ने में भी बिल्कुल आसानी होगी. ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं. इसके आगे है वैस्कुलर रेज. वैस्कुलर रेज, तो अब पढ़ेंगे वैस्कुलर रेज, जिसको हम जाइलम रेज और वुड रेज भी कहते हैं. ये दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिसेरेट रेज. यूनिसेरेट रेज होती है, ये जो ये सेल्स होती है ना, ये जो यूनिसेरेट रेज होती है ना, दीज आर वन सेल वाइड. मतलब जितनी एक सेल की जितनी विड्थ होती है ना, उतनी होती है. और मल्टीसेरेट आपको पता ही होगा कि दीज आर टू और मोर सेल वाइड. और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वुड पाई जाती है पाइनस में, वो पिक्नोजाइलिक होती है. बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, पेपर में पूछा जाता है कि बताओ कि जो साइकस की वुड है वो कौन से टाइप की है, वो होती है मैनोजाइलिक और ये होती है पिक्नोजाइलिक. ठीक है, तो पिक्नोजाइलिक और मोनोजाइलिक क्या होता है, इसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं. ड्वार्फ शूट लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, तो जो ड्वार्फ शूट्स होते हैं, मतलब जो ड्वार्फ ब्रांचेस होते हैं, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं. अब उसके बारे में भी थोड़ा सा ये कि ड्वार्फ शूट के बारे में भी थोड़ी सी एनोट भी देखेंगे. एपिडर्मिस, वही ये सिंगल लेयर है, तो एपिडर्मिस में हमारे सिंगल लेयर आती है, और इसके ऊपर जो है थिक वॉल क्यूटिकल की है. ठीक है, कॉर्टेक्स में जो बाहर वाली लेयर है वो है स्क्लेरेनकाइमेटस से बनी हुई है.
और वो बनाती है हाइपोडर्मिस, ठीक है। कॉर्टेक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा बनाता है हाइपोडर्मिस, जिसमें स्लेरेन्काइमेटस सेल आती है, और उसके बाद जो है स्लेरेन्काइमेटस के बाद हमारी कौन सी सेल्स आती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स आती है। रेजिन्स और टैनिन सेल्स भी प्रेजेंट है कॉर्टेक्स में, ठीक है। एंडोडर्मिस अलग से डिस्टिंग नहीं है, अलग से नहीं दिखाई देता है। पेरिसाइकल भी अलग से नहीं दिखाई देता है। और जो वैस्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है वो कोलेटरल होता है, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, एंडार्ज होता है। एंडार्ज का क्या मतलब है, एंडार्ज का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ है और जो मेटाजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ है। ओपन का मतलब है कैम्बियम प्रेजेंट है। कॉन्जॉइंट का मतलब है फ्लोएम पेरिफेरी पे है और जाइलम सेंटर की ओर। कोलेटरल का क्या मतलब है, कोलेटरल का मतलब है कि सॉरी कॉन्जॉइंट का मतलब है कि जो हमारे जाइलम और फ्लोएम है वो सेम वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है, मतलब सेम रेडियस पर है। और कोलेटरल का मतलब होता है कि जो फ्लोएम है वो पेरिफेरी पर है और जो जाइलम है वो सेंटर की तरफ है।